जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। राजा बलि, अब देवताओं को प्रयास करने दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। सफल हो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सफल रहो। नारायण नारायण। पुत्र, देवताओं अपने बल का अंतिम कर भी झोंक दो, चलो। देवराज, आप सब में अतः शक्ति है, आप इसे हार नहीं मान सकते। प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। ये गरुड़ हमारा समर्थन कर रहा है या हमारा उपहास कर रहा है? देवताओं और जोर लगाओ। हुआ देवराज इंद्र? डींगे मारना बहुत सरल है इंद्र, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या हुआ इंद्रदेव, चुप क्यों हो? जीभ काट बन गई। बजरंग अपनी जीवा। नारायण नारायण, ये समय युद्ध करने का नहीं है। देवराज, असुरराज, आप दोनों को आभास भी है, ना तो आपको अमृत मिलेगा और ना ही मां लक्ष्मी संसार में वापस लौट कर आ पाएंगे। इसलिए एक दूसरे की असफलता पर प्रसन्न होने की बजाय कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे आप सफल हो जाएं। पर मुनिवर,
और अब कर ही क्या सकते हैं हम। स्पष्ट है कि हम असुरों और देवताओं का बल इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षमा कीजिए, परंतु आप दोनों के दृष्टिकोण अनुचित है। अब ये दास बताएगा हमें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ कोई दास नहीं है, सभी धर्म के सेवक हैं। बोलो गरुड़, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु विष्णु ने देवता और दानवों को एक साथ संधि करने के लिए क्यों कहा था, इसका गुण अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है। दीदी माँ, इन दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना है। ये दोनों ही अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे। यदि ये दोनों एक साथ एक स्वर में एक लय में चेष्टा करेंगे तो अवश्य मंदिराचल पर्वत को उठा पाएंगे। पुत्र, तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। नारायण नारायण। बलि, ये गरुड़ सही कह रहा है। ये सुझाव भी वो उपाय है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। तैयार हैं असुरराज? आप देख रहे हो भैया, सूरज उग एक पहर हो गया, ये बुड्ढा अभी तक सो रहा है। हम तो कुटिया के अंदर जा रहे थे, हम वन में कैसे आ गए? ये कैसे संभव है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? भैया, ये वश उस बुड्ढे की माया है। माया हो या दृष्टिभ्रम, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस महल से बाहर निकाल के रहूंगा। के महाराज, ये पर्वत हमसे नहीं हिलेगा।
क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। देवों और दानवों की सम्मिलित शक्तियां भी इस पर्वत को उठा नहीं सकी। इतना अभिमान, इतनी स्वच्छंदता, जो समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य में सहयोग ना दे उसका अस्तित्व होने का लाभ ही क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहले तो आपने मेरे पंख काट दिए थे और अब आप मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, यदि तू हमारे साथ नहीं चला तो। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पंख ना होने के कारण मैं अचल हो गया हूँ। आप ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दंड आप मुझे देना चाहते हैं? ये तो अनुचित है देवराज। रुक जाइए देवराज। यदि आप क्रोध में आकर पर्वत को ही काट देंगे तो हमें मथनी कहां से मिलेगी? और यदि मथनी नहीं मिलेगी तो समुद्र मंथन कैसे होगा? कृपया शांत हो जाइए और इन्हें उठाने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ पुत्र, क्रोध से ये समस्या नहीं सुलझेगी। यदि तुमने वज्र का प्रहार किया तो आघात मंदराचल पर्वत पर नहीं बल्कि समुद्र मंथन की संभावना पर होगा। इसीलिए धैर्य का परिचय दो पुत्र। यदि देवता और असुर दोनों मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे तो कैसे उठेगा ये पर्वत? तुमल, तू क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? कम से कम हम उस पुट्टे के पास पहुंचने में सफल तो हुए थे, अब हमें ही कोई मार्ग खोजना होगा इन्हें उस बुड्ढे से छुटकारा दिलाने का, ताकि माँ हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए। हाँ, वैसे भी हम जब से गरुड़ के साथ गए हैं ना, माँ हमसे रुष्ट रहती है। इस अवसर का लाभ उठाना होगा हमें। अब देखो प्रभु, काली और दक्षक के असफल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में एक वृद्ध के प्रति दुर्भावना है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वो, परंतु देव और दानव क्यों असफल हो रहे हैं? वे दोनों तो मिलकर धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। देव और दानव दोनों अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे और मंदराचल के बल को समझ ही नहीं पा रहे, जो उनकी दृष्टि के सामने दोनों में अहंकार अपने चरम पर और यही अहंकार मंदराचल पर इनकी विजय के मार्ग में पर्वत बनकर खड़ा हो गया। जब तक देवों और दानवों को ये तथ्य समझ नहीं आ जाता तब तक मंदराचल अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाएगा। तो प्रभु, इनको ये तथ्य समझाएगा कौन? आप सब ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि आपने आशा त्याग दी तो मथनी नहीं मिलेगी, और यदि मथनी नहीं मिली तो मंथन नहीं होगा, और यदि मंथन नहीं हुआ तो प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए विरह की अग्नि में जलते रहेंगे, वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। देवराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई ना कोई उपाय निकालिए जिससे कार्य संभव हो पाए। महाराज बलि, आप में केवल बल ही नहीं बल्कि माया भी शक्ति भी है,
को ही मार निकालिए। मैं आपसे विनती करता हूं महाराज बलि। महर्षि महर्षि आप तो गुरु हैं, यदि आप मार्गदर्शन करेंगे तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। पुत्र, यदि कोई समाधान होता तो अब तक पता चल चुका होता। वैसे भी तू क्यों इतना चिंतित हो रहा है? मथनी नाने का दायित्व तुझे नहीं मिला है, हम असुरों को और देवता को सौंपा गया है विष्णु द्वारा। हाँ देवी माँ, आप सही कह रही हैं। ये दायित्व तो मेरे बड़े भाइयों को सौंपा गया था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कड़ी मैं भी तो हूँ। हो सकता है मेरा दायित्व यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों को प्रेरणा दूँ। मुख से प्रेरणा देना सरल है पक्षी, स्वयं चेष्टा करके देखोगे तो पता चलेगा इस पर्वत को हिलाना संभव है या नहीं। तुझ में तो एक सहस्त्र इंद्र का बल है ना, तू क्यों नहीं प्रयास करता? जा, प्रयास कर। ये आप कैसी बात कर रही हैं विमाता दीदी? जो कार्य हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो उसे अकेला कैसे कर पाएगा? देख रहा है तू? बड़ा दुस्साहसी है बुड्ढा, पूजा के स्थान पर अपने पांव करके सो रहा है। भगवान श्री नारायण का कितना घोर अपमान। तू अभी जा और उसके दोनों पांव खींचकर इसे अभी उठा दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं दृष्टि रखता हूँ। तू जा और इसकी दृष्टता का दंड दे। जा जा जा, विजय का विजय का। मैं जाना तो चाहता हूँ, यदि मेरा हाल भी काली और तक्षक भैया जैसा हुआ तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने जाऊंगा। तू जा तू जा। सच पूछो तो मैं भी यही बात सोचकर भयभीत हूँ। एक कार्य करते, तब तू दोनों एक साथ चलते हैं। चल। बुढ़े, नारायण का अपमान करते तनिक भी संकोच नहीं होता? उनकी दिशा से पांव टोपने अभी। नहीं, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। क्यों, भयभीत हो गया? हाँ, बात भय की नहीं है, परंतु सत्य से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी समस्त शक्ति मिलकर भी इस विशाल पर्वत के एक कण को हिला नहीं सकती। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं प्रयास अवश्य करता, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इनकी शक्ति को चुनौती दे सकूं। यदि सब कह रहे हैं तो एक बार प्रयास तो करो। करो क्या पता प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा हो। और वैसे भी तुम्हें ना शक्ति का अभिमान है और ना ही बल प्रदर्शन की इच्छा, और ना ही तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए। पर भूल से भी यदि सफल हो गए प्रभु और मां को मिलाने में सहायक बनकर, तो तुम इस संसार को पा जाओगे। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें समस्या है तो तुम हटा। धूमल, मैं बहुत क्रोधित हो रहा हूँ, जा इसे डांट लगा।
मैं नहीं जाऊंगा, तू जाना, तेरा स्वर तो मुझसे भी भारी है। एक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ डांट लगाते हैं। हमें दास समझ रखा है क्या? राजकुमार हम, और तुम्हें हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो राजकुमारों, मैं दुर्बल हूँ, अशक्त, पैर हटाने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे घर में नारायण का मान हो रहा है, तो तुम ही मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां नारायण नहीं है। अरे आप मत सो, अरे उठो, लगता है अब हमें श्रम करना ही पड़ेगा। हम जिस ओर भी इस बाबा के पैर रख रहे हैं, वहां वहां ये मूर्तियां कहां से आ जा रही हैं? धूमल, अवश्य ये बाबा बहुत ही शक्तिशाली तक तू भागो। अब पहुंचेगा पुस्तक मेरा संदेश। इतने शक्तिशाली होने का लाभ ही क्या जब तुम दोनों उस बूढ़े तक को बाहर नहीं डाल पा रहे हैं? क्या हुआ मां? वो बूढ़ा, वो मां, वो महामायावी है। जानती हूं मैं, एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो मुझे? जाओ यहां से। महामायावी नहीं, महान है मां। कहा ना, जाओ। कौन है ये मायावी और यहां क्या कर रहा है वो? प्रभु, ये माया भी नहीं, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी विशेष उद्देश्य से यहां आए। परंतु क्या हो सकता है इनका ये विशेष उद्देश्य? ऐसी पुण्य आत्माओं के मन में क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है शेष। पर एक बात तो तय है, मंथन से जितनी हलचल शीर सागर में उत्पन्न होगी, उतनी ही उथल पुथल इस महल में भी होगी। मंथन तो तभी होगा जब मथनी मिलेगी, परंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? गरुड़ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अकेला पूरा पर्वत कैसे उठा पाएगा वो? यही जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूं शेष। अब क्या करेगा गरुड़? यदि यही आपका आदेश है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे हृदय में विष्णु भक्ति की लौ सदा प्रज्वलित रहे।
अदिति माँ, दीति माँ आशीर्वाद दीजिए। जो भी कार्य करने की मन में ठान लो उसमें सदैव सफल हो पुत्र, सफल हो। देवराज इंद्र, असुरराज बलि, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं। इस कार्य को सफल बनाने में आप दोनों का आशीर्वाद अनिवार्य है। लगाने से क्या होगा, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? ये पक्षी इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? आप सब परिक्रमा के महत्व को नहीं समझते। गणेश ने महादेव और पार्वती की परिक्रमा करके सारे संसार का भ्रमण कर लिया था। जब भी हम अपनों से बड़ों को सम्मान व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस संसार की अनेक सभ्यताओं को अपने पाले में झुलाने वाली नदियों के स्वामी हैं आप। पर उगने वाले वृक्ष, फल फूल, वनस्पतियां आदि जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। मुझे किंचन में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी महानता का वर्णन कर पाऊं। आप पिता स्वरूप हैं और मैं एक साधारण सा पक्षी, परंतु आज धर्म के कार्य के लिए मैं आपको उठाने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं पर्वत श्रेष्ठ, मुझे अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दें। ये कैसी मायावी शक्ति है गरुड़ के पास?
असंभव है। तुमने मुझे उठा लिया पुत्र, परंतु क्षीर सागर तक ले जाने का सामर्थ्य तुम में भी नहीं है। मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि अब तुम्हें किसी और को मथनी चुनना होगा, या फिर प्रभु विष्णु के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें समुद्र मंथन के अतिरिक्त कोई और उपाय ढूंढना होगा। ऐसा मत कहिए पर्वत श्रेष्ठ, प्रभु विष्णु ने कहा था केवल केवल यही एकमात्र उपाय है और कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं है। पहले से ही प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी वियोग का असीम दुख सह रहे, एक दूसरे से दूर है वो। मैं अपने परम पिता और माता को निराश नहीं कर सकता। मुझ पर कृपा करें। क्यों प्रभु, क्यों मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये कार्य करके आपकी सेवा कर पाऊं? माँ, माँ आप ही कोई मार्ग सुझाइए। माँ, आप इतना कार्य करती हैं, फिर भी हर समय आप में इतनी ऊर्जा कैसी रहती है? क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, जो करते हैं नारायण स्वयं करते हैं। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं का है गरुड़। मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने सही कहा था पर्वत श्रेष्ठ, कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको उठाकर क्षीर सागर तक ले जा पाऊं, परंतु मुझ में जो नारायण समाये हुए हैं उनमें है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु नारायणाय।
अद्भुत गरुड़, अद्भुत। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक बल तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मबल। तुमने आज वो कर दिखाया है गरुड़, जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। सत्य है गरुड़, भगवान विष्णु भी तुम्हारे इस कार्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है तुमने। और अभी इसे शीर सागर तक ले जाना शेष है गुरु। इतने विशाल पर्वत को लेकर गरुड़ चल भी नहीं पा रहा है, तो इसे कैसे उड़ा कर ले जाएगा? हे प्रभु, हे परमपिता, आपके आशीर्वाद से भक्ति की परीक्षा तो मैंने पार कर ली, पर ये शक्ति की परीक्षा मुझसे पार नहीं हो पाएगी प्रभु। बिना आपके सहयोग के इस पर्वत को उठाकर उड़ाना तो दूर, मैं दो पग चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए नारायण, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, गरुड़ की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कितना बड़ा है वो पर्वत, आपके सहायता के बिना अकेले वो इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएगा। प्रभु की इच्छा से मैंने मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया, किंतु इसे शेर सागर तक ले जाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं। जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। ओम नमो नारायणाय। 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 इस पक्षी ने ये विशाल पर्वत उठा तो लिया, किंतु शीर सागर तक नहीं पहुंच पाएगा ये। नारायण नारायण, असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ तुमने। तुम धन्य हो गरुड़, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो गरुड़, धन्य हो। अति उत्तम पुत्र। आज मुझे ऐसी अद्भुत प्रसन्नता क्यों हो रही है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई? क्या कारण हो सकता है इसका? जिस मंदराचल पर्वत को उठाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, उस पर्वत को उड़ा कर ले गया ये।
लगता है कि बाल खिले ऋषियों का आशीर्वाद फल गया इसे। सच में एक सहस्त्र इंद्र की शक्ति है इसमें। हमें शीघ्र ही शीर सागर पहुंचना चाहिए। मैं सहमत हूं देवराज। आज सब उस करुण के गीत गा रहे हैं, यहां तक कि इंद्र और असुर सम्राट बलि भी उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। आज सबकी दृष्टि में गरुड़ की प्रशंसा देखकर जो दुख हमें हो रहा है वही दुख क्यों ना हम उसकी स्वामिनी के साथ भी बांटे तो कैसा रहेगा। वाह, क्या सुझाव दिया है मां। हो सकता है वो इस दास को नियंत्रित करने का कोई मार्ग दिखाए। सत्य कह रहे हो तुम? सभी देवदानव यहां तक कि गुरु बृहस्पति और मुनिवर नारद भी उस गरुड़ की प्रशंसा कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे शीर सागर में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, गरुड़ गरुड़ गरुड़। मेरे छोटे से पुत्र ने इतना विशाल मंदराचल पर्वत उठा लिया, वो भी अकेले। तो तू यहां छुप छुप कर हमारी गुप्तचरी कर रही है। गुप्तचरी? नहीं महारानी, मैं तो आपके लिए ये कुछ फल लाई थी। बस अधिक स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। पूरा का पूरा परिवार आलसी है। तेरा एक पुत्र विकलांगता का नाटक करके पहले यहां से चला गया और तू, तुझे मेरा कार्य करना कठिन लगता है किंतु उस बूढ़े भिखारी का कार्य करने में तुझे आनंद आता है। और तेरा दूसरा पुत्र जो तुझसे भी अधिक कुटिल है, वो मेरे पुत्रों को अपनी पीठ पर बिठाल कर लेकर गया। एक के बाद एक मेरे पुत्र गिरते रहे, उसे पता ही नहीं चला। और आज इतना बड़ा इतना भयंकर पर्वत उठाकर वो आनंद से उड़ गया। वाह, मैं सत्य कह रहा हूं विमाता कद्रु, जो पर्वत हम सब मिलकर नहीं हिला पाए उसे गरुड़ ने अकेले ही उठा लिया।
मेरा पुत्र ठीक तो है ना? पुत्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पुत्र, आज तुमने बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया। कि अब तुम्हारी महिमा युगो युगो तक गाई जाएगी। स्वयं मुनि नारद और देवगुरु बृहस्पति मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे लिए उससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? ये सब मेरे प्रभु विष्णु की कृपा से ही हुआ है। मैं अभी उन्हें प्रसाद चढ़ाकर आती हूँ। रुक जाओ कालिया, मनाने दो उसे आनंद। माँ को लगा था कि आप करुण को रोकने का उपाय सुझाएंगे, पर आप तो उसकी माँ के साथ उसकी सफलता का उत्सव मना रही हैं। मुझे तो लगा था कि दीदी का पुत्र दीदी की तरह बुद्धिमान होगा, किंतु तुम तो बिल्कुल मंदबुद्धि निकले। गरुड़ को रोकने का उपाय स्वयं उसकी मां मुझे अभी भी पता कर गई है। मैं समझे नहीं वे माता। यदि ये सूचना पाकर विंता जैसी विनीत स्त्री भी गर्भ से फूले नहीं समा रही है तो सोचो गरुड़ में भी अहंकार आना स्वाभाविक है। और यदि उस करुण में अहंकार आ गया तो उसका भी वैसे ही पतन हो जाएगा जैसे इंद्र और अन्य देवताओं का हुआ। नहीं मणिवर, ये कार्य तो कैसे पूरा हुआ पता ही नहीं चला, बस सब अपने आप हो गया। इतने भी अधिक विनीत बनने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। जो पर्वत हम सब देव और दानव एक साथ मिलकर भी नहीं उठा पाए, उसे तुमने अकेले उठा लिया। तुमने आज तुमने अपने शत्रुओं को अपनी योग्यता से जीत लिया है। इसको किस उद्देश्य से भेजा था और ये कर क्या रहा है? यदि तुम आज ये असंभव कार्य नहीं कर पाते, अंद्राचल पर्वत को उठाकर यहां तक नहीं ला पाते, तो समुद्र मंथन प्रारंभ ही नहीं हो पाता। राहु तो गरुड़ को अहंकार की ओर ले जा रहा है। सत्य तो ये है गरुड़, किस समुद्र मंथन को संभव बनाया है तुमने, केवल तुमने। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विंतानंदन गरुड़ की जय। 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 ये क्या? क्या हुआ प्रभु? जब पुत्र पहली बार अपने पांव पर चलने का प्रयास करता है तो पिता को पहले से ही पता होता कि वो गिरने वाला, किंतु तब भी पिता उसे रोकते नहीं, क्योंकि वह चाहते कि बालक गिरकर स्वयं से फिर से खड़ा होना सीखे। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि गिरते हुए पुत्र को देखकर पिता को कष्ट नहीं होता। आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु?
गरुड़ की मुस्कुराहट देखो शेष। विंता नंदन गरुड़ की जय। जब तक इसके मन में भक्ति थी, ये भावना थी कि जो कुछ भी हो रहा वो पर ब्रह्म के कारण हो रहा, तब तक इसकी आंखों में विनम्रता थी, मुस्कुराहट में मधुरता थी, पर अब देखो, अब इसके मन में अहंकार आ गया। अहंकार वो गहरा कुआं है शेष, जिससे व्यक्ति यदि शीघ्र ना निकले तो उसका पतन निश्चित है। क्या हुआ, ये सब ऐसे शांत क्यों हो गए? क्या हो गया प्रभु? मद्रांचल पर्वत शीर सागर में डूब कैसे गया? कार्य आरंभ होने से पहले ही इतना बड़ा विघ्न क्यों आ गया? विघ्न तो आना ही था शेष, क्योंकि अहंकार में डूबे देव और दानवों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद भी मेरी व्यथा के कारण चिंतित थे, उन्हें भी ध्यान नहीं रहा और अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ प्रभु? ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका किसी को भी ध्यान नहीं रहा? बताइए मुनिवर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? उस भूल को सुधारने के लिए जो आवश्यक होगा मैं करूंगा। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले प्रभु श्री गणेश का ध्यान अवश्य करना चाहिए। करूँ उनकी प्रार्थना किए बिना यदि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो विघ्न आना तो निश्चित है। गणपति उस पर ब्रह्म के स्वरूप है, जिनकी इच्छा से संसार के सभी कार्य संपन्न होते हैं। एक देह में रीढ़ के आधार से लेकर शीश तक 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार। जब तक मूलाधार चक्र नहीं खुलता, ना तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है और ना ही अन्य चक्र खुल सकते हैं। श्री गणेश इस मूलाधार चक्र के स्वामी, वो ही इसे नियंत्रित करते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। शेष जब तक वो देव और दानवों को अपना आशीर्वाद नहीं दे देते, इस समस्या का समाधान संभव नहीं। कितनी सौभाग्यवान है ना अदिति दीदी और दीति दीदी, जो मेरे पुत्र को यह अविश्वसनीय कार्य करते हुए देख पाई। यदि किसी तरह मैं भी इस अद्भुत घटना की साक्षी बन पाती तो। हे प्रभु, आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझकर यह अवसर देकर मुझे धन्य बना दिया। धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद दीजिए मां। यदि माँ को पता चला कि इस भूल के कारण इतना शुभ इतना आवश्यक अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया, परम पिता और माता लक्ष्मी का मिलन नहीं हो पाया, तो उन्हें कितना कष्ट होगा। वायु अग्नि, तुम दोनों का साहस भी कैसे हुआ सेनापति वज्रांग से तर्क वितर्क करने का? क्यों, वायु ने क्या असत्य कहा? क्या तुम असुरों के लिए गणपति पूजनीय नहीं है? परंतु उन्हें निमंत्रित करने का
खुद का पूजा करने का प्रमुख दायित्व तो तुम देवताओं का था, हमारा नहीं, जिसे तुमने नहीं निभाया। तो जाओ। ये समय वाद विवाद का नहीं है। हमें उनका ध्यान करके उनका आह्वान करना होगा और उसके पश्चात उनसे क्षमा मांगनी होगी। तो फिर ऐसा ही होगा देवी अदिति, आप सब पूजन की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। इस पूजा को सफल होना ही होगा, किसी भी मूल्य पर प्रभु गणेश को मनाना ही होगा हमें। विघ्नेश वीर्याणी विचित्र काणी बंदी जनैर मागध कह श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वम ब्राह्मोर जगन मंगलकम कुरुष्व एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तम निर्गतम वीक्ष्य नमन्ति देवः संवादयो योगी मुखास्तथा। विघ्नेश वीर्याणि विचित्र काणि बंदी जनैर्मागध कह श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वम ब्राह्मोर जगन् मंगलकम कुरुष्व एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवः संवादयो योगी मुखास्तथाहम्। विघ्नेश वीर्याणि विचित्र काणि बंदी जनैर्मागध कह श्रुत्वा समुतिष्ठ गजानन त्वम ब्राह्मोर जगन् मंगलकम कुरुष्व एवं मया। जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा, उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे। प्रभु गणेश प्रकट तो हो गए, परंतु क्या वो अब देव और असुरों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? श्री गणेश की लीला केवल श्री गणेश ही जानते। आप सब प्रथम पूज्य को भूल गए? जब संकट सामने उपस्थित हो गया तब स्मरण हुआ मेरा, उससे पहले तो आप सभी मुझे भूले हुए थे। संसार के इतने बड़े अनुष्ठान समुद्र मंथन से पहले आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि शुभ कार्य करने से पहले क्या विधि होती है। क्षमा कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कार्य आरंभ करने के उत्साह में ना जाने कैसे आपका स्मरण नहीं रहा। उत्साह और कार्य में ऐसे लीन हुए कि धर्म भूल गए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने भक्तों पर दया कीजिए। अब भूल हुई है तो दंड भी मिलेगा। प्रभु हम पूर्ण विधि विधान से आपकी पूजा करेंगे। देवराज असुरराज, मेरा मन तो भाव का भूखा है, ये प्रसन्न हो पाता है या नहीं ये अब आप सबकी पूजा पर ही निर्भर करेगा। अद्भुत मां, क्या उपाय ढूंढा है आपने? एक और गरुड़ का अहंकार उसको पतन के गर्त में ढकेल देगा, और दूसरी ओर वो बुड्ढा और उसका क्रोध छोटी माँ के जीवन में कष्टों की आंधी ले आएंगे। वाह माँ, आपकी बुद्धिमता पे गर्व है हमें।
कभी कभी मुझे तुम दोनों की मूर्खता पर तरस आता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मां? शीर सागर के मंथन जैसा अवसर कभी कभी आता है जीवन में। राहुल ने मुझे पूरा विवरण तो नहीं बताया, किंतु यदि दानव स्वर्ग का राजपाट होते हुए भी देवताओं के साथ संधि करने के लिए तत्पर है तो इसका केवल एक ही अर्थ है। निश्चित रूप से मंथन के समय समुद्र से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पाने के लिए सब होंगे वहां पे, देव भी होंगे, दानव भी होंगे, यहां तक कि ये दासी पुत्र करुण भी होगा। पर मां, शेषनाग भैया तो वही होंगे ना? नारायण के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए, और अब तो उसकी मित्रता भी होगी उस गरुड़ के साथ। तुम दोनों का साथ देने के लिए वो गरुड़ का अहित कभी नहीं करेगा, इसलिए आप उस गरुड़ को रोकने के लिए और मेरे पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए मुझे ही कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। ध्यान कहाँ है तेरा? मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा पूरा ध्यान अपने पुत्र और उस बूढ़े पर होगा। ये तो होना ही था। अब स्वच्छ कर इसे। ऐसे देख क्या रही है? तेरी भूल को सुधारने के लिए मुझे किसी और दासी को बुलाना होगा क्या? तूने ये सब कुछ फैलाया है तो स्वच्छ भी तुझे ही करना होगा। जी। कहाँ जा रही है तू? यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक रसोई घर पहले की तरह स्वच्छ नहीं हो जाता। कदम भी मत हिलाना यहां से। पहले मेरा कार्य होगा, उसके बाद जिसकी जितनी सेवा करनी है कर लेना जाके। जी महारानी। प्रभु गणेश को सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मर गई। इससे अच्छा तो मुझे जंगल में ही छोड़ देती मरने के लिए। काम मर गई थी तू को पैसे में कितना व्याकुल हो रहा हूं, लेकिन मुझ पर तेरा क्या लेना है? क्षमा कीजिएगा बाबा, थोड़ी देर हो गई मुझे। आप लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तेरा प्रसाद दुखा। मुझे तो कुछ और। मैं प्रसाद का अनादर नहीं होने दूंगी बाबा, खाइए इसे। तू मुझे आदेश देगी? एक वृद्ध रोगी को बेहोश करेगी? मैं आपका आदर करती हूँ बाबा, पर यह प्रसाद मेरे प्रभु मेरे आराध्या विष्णु का है और वो मेरे लिए सबसे बड़े सबसे महान है, इसलिए इस प्रसाद को तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरी कुटिया में मेरे प्रभु के प्रसाद का अनादर नहीं होगा बाबा, और आप इस प्रसाद की महिमा को नहीं जानते। हो सकता है इसे खाने के बाद आपका रोग ठीक हो जाए। ना मुझे तेरे प्रभु पे विश्वास है, ना उसके प्रसाद पे। आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बाबा,
मेरा विश्वास ही हम दोनों के लिए पर्याप्त है। एक बार इसे खाइए तो सही, शीघ्र ही आपके कष्ट। मेरे हाथों को देख, मेरे गांवों में से पल टपक रहा है, मुझे प्रसाद की नहीं औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि बाबा, मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। तो जा कटपर्णी के फूल और पत्ते लेकर आ, उन्हें पीस कर लेप बनाना होगा। जा। जी। और जल्दी आना, वही मत मर जाना। जा। क्या हुआ प्रभु, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई क्या? मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो आप सबने अर्पित ही नहीं की, उसके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी और मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो प्रभु गणेश को इतनी प्रिय है और फिर भी इन्हें अभी तक अर्पित नहीं की गई? प्रसाद में इतने अच्छे लड्डू है तो फिर ये घास क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण घास नहीं है गरुड़, ये दुर्वा है, प्रभु गणपति को सबसे अधिक प्रिय है। मैं समझ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अब तक हमने प्रभु गणेश को अर्पित नहीं की। तो आपने प्रसाद ग्रहण कर ही लिया। प्रसाद होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो खीर है। प्रसाद
जल्दी जल्दी लेप बना। जैसा समझ रहे हो वैसे नहीं है ये बाबा। हम ये बाबा जो भी कहता है और जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नुमल चुप हो जाओ, तुम कितनी बात करते हो। तक्षकालिया, तुम दोनों को विंता पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। इसके पल पल की सूचना चाहिए मुझे। जी मां। लगता है अंकार ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसे क्या लगता है माँ, जो गणेश इतनी सारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हुए वो इस साधारण सी घास से प्रसन्न हो जाए। गणपति जी की लीला अपरंपार है। तरह तरह की वस्तुएं उन्हें प्रसाद में चढ़ाई गई पर वे उनसे प्रसन्न नहीं हुए और साधारण दुर्वा से प्रसन्न हो गए। भगवान सदैव साधारण वस्तु से ही प्रसन्न होते हैं शेष, क्योंकि उनके लिए वस्तु से अधिक मूल्य उसे अर्पित करने वालों की भावनाओं का होता। ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान सामान्य जन मानस के हित के लिए दिया है, ताकि किसी को यह भ्रम ना हो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन धान्य की आवश्यकता होती है। मैं कंदली के एक फल से भाव विभोर हो जाता हूं, लक्ष्मी पुष्प पाके खिल उठती हैं, महादेव शिव बेल पत्र से आनंद पा जाते हैं, देवी पार्वती केवल सिंदूर से प्रसन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार गणपति के हृदय में स्थान पाने के लिए केवल दुर्वा घास ही पर्याप्त है। अद्भुत प्रभु, भगवान की भक्ति पर केवल धनवानों का ही पहरा ना हो, निर्धन भी बिना किसी भेदभाव के अपने आराध्य से आशीर्वाद पा सके, इसका कितना सुंदर प्रबंध किया है ऋषि मुनियों ने। इनके ज्ञान को और भगवान की साध्यता को कोटि कोटि प्रणाम। पूजा संपन्न हुई, मेरा मन प्रसन्न हुआ। अब बताइए क्या इच्छा है आप सबकी। प्रभु आप तो सबको जानते हैं, कितने कष्टों के बाद क्षीर सागर को मथने के लिए मथनी यहां तक आ पाई थी, पर पता नहीं कैसे वो मथनी समुद्र में डूब गई। प्रभु बस यही आशीष चाहिए आपसे, मथनी को ऊपर लाना कैसे संभव होगा ये बता दीजिए प्रभु, ताकि मंथन शीघ्र आरंभ हो सके। क्षीर सागर का मंथन विचारों के मंथन की तरह होता है। जैसे विचारों को मथने के लिए पहले मस्तिष्क को स्थिर करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्षीर सागर को मथने के लिए पहले इस मथनी को स्थिर करना होगा। अद्भुत बाबा, आपका ये लेप बहुत लाभदायक है, मेरे सारे छाले ठीक हो गए। इतना ही लाभदायक
ले पोता तो मेरे काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे परमपिता विष्णु पर पूरा विश्वास है और आपको नहीं। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति ही प्रभु को हमारा हित करने के लिए प्रेरित करती है बाबा। इसलिए मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और आपके नहीं हो पाए। पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ना। कितनी बोली हो तुम विंता, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला मैं ही हूं। ये तो गुरु दत्तात्रेय है ना प्रभु? तो तुमने भी पहचान ही लिया शेष? हां, ये गुरु दत्तात्रेय ही 1200 वर्षों तक इन्होंने घनघोर तपस्या करके अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की। तब तो इनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। परंतु ये विंता माँ के यहां क्यों आए हैं और बात बात पर इन्हें ऐसे प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? जिसे तुम प्रताड़ना कह रहे हो शेष, ये जीवन की चुनौतियां हैं। सिद्ध गुरु समय समय पर साधारण जनों को ये चुनौतियां देते हैं ताकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो सके और कष्टों की अग्नि सहकर उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है शेष, यदि देवी विंता इस परीक्षा में सफल हुई तो गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से न केवल उनके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे बल्कि उनके दोनों पुत्रों अरुण और गरुड़ के जीवन में भी सुख की वर्षा होगी। प्रभु, आपकी कृपा से विंता माँ को इनका आशीर्वाद प्राप्त होना आरंभ हो गया है। फिर कैसे प्रभु? तुम मथनी तो ले आए गरुड़, पर ये भूल गए कि इस मथनी के नीचे भी कुछ होना चाहिए जो स्थिर हो, ठोस हो, जो इसका भार भी सह ले और इससे घूमने में सहायता भी कर पाए। प्रभु, ऐसी वस्तु कहाँ मिलेगी जो इसे स्थिर रखते हुए भी घूमने में सहायता कर पाए? आप मुझे बताइए, मैं इसे क्षण जाऊंगा और उस वस्तु को यहाँ ले आऊंगा। जब मैं पूरा मंदराचल पर्वत ला सकता हूँ तो मैं मथनी के लिए डोर भी लाऊंगा। प्रभु, गणेश जी ने बताया था कि विचारों का मंथन भी क्षीर सागर के मंथन जैसा ही होता है। फिर भी ये इतना विचार नहीं कर पा रहे हैं कि इनके अहंकार से मंदरांचल पर्वत तो क्या, ये अपने अस्तित्व को भी नहीं उभरने देंगे। और सबसे दुखद तो ये है प्रभु कि अहंकार के चक्रव्यूह में गरुड़ भी डूबता जा रहा है। ये अनर्थ हो रहा है प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए इन पर। वो क्या है और कहां से मिलेगी इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। हे विघ्नहर्ता, यदि आप हमारे विघ्न नहीं हरेंगे तो और किसमें यह सामर्थ्य है? मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, केवल ये विघ्न ही नहीं, इस मंथन के पूरा होने तक जितने भी विघ्न आएंगे वो सभी आपके प्रयासों से दूर हो जाएंगे। पर इस समस्या के समाधान के लिए आपको प्रभु विष्णु से ही सहायता मांगनी होगी। आप सबका कल्याण हो। समाधान यदि विष्णु को ही करना था तो समस्या क्यों थी? तुम तो ऐसे कह रहे हो वज्रांग जैसे उन्होंने ये जानबूझकर किया है। जितनी शीघ्रता तुम अमृत पाने की है उससे कहीं अधिक आतुरता प्रभु विष्णु को माता लक्ष्मी से मिलने की है। गरुड़ सही कह रहा है वज्रांग, इस समय तर्क वितर्क में उलझने के स्थान पर हमें प्रभु विष्णु का ध्यान करना चाहिए। हम असुरों के आराध्य महादेव शिव शंकर है,
और ये सब जानते हैं। सत्य तो ये है असुरराज कि ये पक्षपात आप असुर लोग करते हैं, हमारे लिए तो महादेव भी उतने ही वंदनीय हैं जितने की प्रभु विष्णु। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्थ हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। शिव और विष्णु स्वयं एक दूसरे के लिए वंदनीय हैं। तो फिर विलंब किस बात का, हम सभी मिलकर प्रभु विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भिर्दयागमयम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें नारायण। प्रणाम स्वीकार करें नारायण। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों को मेरा प्रणाम। हे नारायण, संसार के हित के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए और प्राणियों के कल्याण के लिए आप अगला अवतार धारण करें प्रभु। प्रभु का अगला अवतार? समुद्र मंथन की इस अद्भुत घटना का उद्देश्य केवल समुद्र तल में छुपे अनमोल रत्नों को निकालना नहीं है और ना ही देवी लक्ष्मी का प्रभु से मिलन इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसका लक्ष्य तो कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लक्ष्य है पवित्र आत्माओं की रक्षा करना, दुष्ट आत्माओं का सहार करना, अधर्म का विनाश करना और धर्म को सशक्त कर उसकी फिर से स्थापना करना। और जब जब ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है, प्रभु विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं। पर मेरा कोई भी अवतार ब्रह्मदेव और महादेव के साथ के बिना संभव ही नहीं। त्रिदेवों के संगम से ही एक ऐसे अवतार का सृजन संभव हो पाता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभालने के योग्य हो। प्रभु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा, कृपा करके बताइए ना क्या होगा आपका अगला अवतार। यह है मेरा नया अवतार कच्छप, जो मंदराचल पर्वत का आधार बनेगा।
ये छोटा सा कश्यप इतने बड़े मंदरांचल पर्वत को स्थिर रखने में सहायता कैसे कर पाएगा प्रभु? मैं तुझे कितना डांटता हूं, कितना फटकारता हूं, किंतु फिर भी तू मेरे समीप ही बैठा रहता है। तू मेरा परम मित्र है। इस संसार में तेरे सिवाय कोई और है क्या जो मनुष्य का साथ दे? वेद, क्या कहा तूने? कुछ नहीं बाबा। क्या कुछ नहीं? मुझसे शब्द निकला तो कुछ सोच के ही निकला ना। फिर से बोल जो बोला। बाबा, मैं अधिक तो नहीं जानती, पर मुझे लगता है यदि कोई वेदों को एक बार पढ़ ले तो चारों वेद और उनमें समाया ज्ञान कभी भी हम मनुष्यों का साथ नहीं छोड़ता। इस श्वान की तरह वेदों की वाणी भी अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहती है। जब हम किसी संकट में फंस जाएं, तो उसे सुलझाने में हमारी सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है। हम भले ही उसे भूल जाएं, पर वो हमें कभी नहीं भूलती बाबा। मन का स्वर बनकर सदैव हमारे साथ चलती है। अब मुझे टुकड़ टुकड़ देखती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये लीजिए। बाबा, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होगा? आज आपने ना कोई तर्क वितर्क किया, ना मेरी बात को काटा, ना मुझे डांटा, और ये फल और दूध भी बिना क्रोधित हुए स्वीकार कर लिए और उसे खा भी लिए। जब ऋतुएं बदलती रहती है, सागर में जवार बांटा और प्रकृति में दिन रात नित्य नियम से बदलते रहते हैं, तो मैं एक समान कैसे रह सकता हूं? वैसे भी आज मुझे बड़ा सुखद आभास हो रहा है। मुझे भी बाबा, ऐसा लग रहा है केवल ये कुटिया ही नहीं, पूरा वातावरण किसी दिव्य शुभ ऊर्जा से भर गया है। सारे संकट समाप्त होने वाले हैं, हर दुख दूर होने वाला है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें कोई ऐसा संकेत करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। दीजिए देवगुरु, आपके प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली, भेज दी सहायता। ये सहायता भेजी है या उपहास किया है? अग्निदेव, भगवान विष्णु ने तो कोई सहायता ही नहीं की, अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा?
गुरुदेव, हमने सहायता मांगी और प्रभु स्वयं आ गए। अवतार लेकर। प्रभु स्वयं आ गए अवतार लेकर? गरुड़ सत्य कह रहा है, ये कोई साधारण कच्छप नहीं है, स्वयं प्रभु नारायण के अवतार हैं। वो देखिए, प्रभु ने कुर्म अर्थात कच्छप के रूप में दूसरा अवतार लिया है, कुर्मा अवतार लिया है प्रभु ने। कच्छप कहाँ चले गए? कहीं प्रभु रुष्ट तो नहीं हो गए हम सबसे? ये कच्छप कहाँ चला गया? ये क्या लीला है प्रभु की? अब ये मंथन कैसे संपन्न होगा? कंठ कंधी मदस्थ करुणा वरुणालय उलाचल समुद्रता कुंडली इंद्र स्माश्रय कठोर पृष्ठ कुद्रह कुलशीकृत सागर
कल्याण मूर्ति है, क्रतु भूख प्रार्थना धृत विग्रह। हे प्रभु, आपने कुर्मा अवतार में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को तो स्थिर कर दिया, परंतु मां ने बताया था कि आपके प्रत्येक अवतार का आध्यात्मिक अर्थ होता है। हम सभी को वर्त समझा कर कृतार्थ कीजिए। ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है प्रभु। तुम दोनों भाइयों की जिज्ञासा एक समान ही है शेष। ये जिज्ञासा केवल शेष नाग और गरुड़ में ही नहीं, मेरे मन में भी है नारायण। और नारद तो इस बात से व्याकुल हो रहे हैं कि उनसे पहले यह प्रश्न किसने पूछ लिया। समुद्र मंथन विचारों के मंथन का प्रतीक है, और विचारों को मथने के लिए स्थिर मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ये कूर्म अर्थात कछुआ स्थिरता का प्रतीक, जब कभी इसके आसपास के वातावरण अशांति छाती तो ये अपने आवरण के भीतर चला जाता। उसी प्रकार जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो हम सभी को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी अंतरात्मा से उत्तम समाधान और कोई नहीं दे सकता। आपके दर्शन करके मन सदैव की तरह प्रसन्नता से भर उठता है प्रभु। हे नारायण, अब हमें जाना होगा, आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदेव, महादेव, आप दोनों तो जानते ही हैं, आप दोनों की सहायता के बिना क्षीर सागर का मंथन करना संभव ही नहीं है। आप निश्चिंत रहे नारायण, ये मंथन आपकी इच्छा से ही हुआ है प्रभु, और आपकी इच्छा पूर्ण करने में योगदान देना हम सबका सौभाग्य है। नामोच्चारण भेष जा, आगे जब भी आवश्यकता होगी नश्यन्ति सकल, हम सहायता अवश्य करेंगे। आज्ञा दें। वदाम्यहम् शान्ताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं। प्रभु, शुभांगं। मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। उस प्रश्न की जिज्ञासा से केवल तुम ही पीड़ित नहीं हो शेष, तुम्हारे भाई गरुड़ के मन में भी वही प्रश्न है। प्रभु, विष्णु के कुर्म अवतार के कारण मंदराचल पर्वत तो स्थिर हो गया, परंतु इसे मथने के लिए वो डोरी कहां से आएगी जो इतने विशाल पर्वत को अपने धुरी पर घुमा सके। हमें एक ऐसे डोर की आवश्यकता होगी जो इस पर्वत की मथनी को चारों ओर से बांधने के बाद भी इतनी लंबी हो कि हम दोनों ओर से इसके सिरे को पकड़कर खींच सकें। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बार बार लगातार पर्वत पर घिसने के बाद भी दुर्बल ना हो और ना ही टूटे। आप दोनों ने बाहरी और शारीरिक गुण के बारे में तो बता दिया, पर जिसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता है उसका हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध होना, अन्यथा वो प्रभु के इस विराट रूप के सामने जा नहीं सकता। परंतु ऐसा कौन हो सकता है मुनिवर? पूरी सृष्टि में केवल एक ही प्राणी है
जो इन सब गुणों से युक्त है, जो इस मथनी की डोर बनने के योग्य है। और वो है वासुकी। वासुकी, मेरा भाई। नारद ने बिल्कुल सही कहा है शेष, इस कार्य के लिए वासुकी से अच्छी डोरी और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, इसलिए आज मैं और तुम एक साथ हैं। पर वासुकी आज भी अपने आराध्य के दर्शन की, उनके सामीप्य की प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव ने कहा था शेष, इस मंथन का उद्देश्य समुद्र तल में छुपे रत्न पाना, देवी लक्ष्मी को लौटाना या अमृत पाना ही नहीं, जो भी पूरे मन से इस अनुष्ठान में अपना योगदान देगा, वह चाहे देव हो, मानव हो, दानव हो या कोई और प्रजाति, उसके हृदय की सबसे बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो क्या इस मंथन के माध्यम से महादेव और वासुकी का मिलन संभव है प्रभु? हाँ शेष, ये मिलन अवश्य होगा, पर कब और कैसे ये तो समय ही बताएगा। तुम वासुकी कहलाओगे पुत्र। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। कितना समय बीत चुका है अपने भाई को देखे हुए, मिले हुए, किंतु आज उसका नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे कल की ही बात है, जब हम दोनों भाई घर त्याग करके निकले थे ताकि अपने अपने आराध्य की साधना और सेवा कर सके। जो संबंध हृदय से जुड़े होते हैं उनकी यही विशेषता होती, वो समय और स्थान की बेड़ियों से मुक्त होते हैं। जब दूर होते हैं तो ऐसा लगता कि कितना समय बीत गया, सब कुछ बदल गया हो, पर जैसे ही निकट आते तो ये आभास होता कि कुछ संबंध कभी नहीं बदलते। वासुकी ने वर्षों तक महादेव की तपस्या करके इतना तेज और बल अर्जित किया है कि वो इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। सत्य वचन मुनिवर, सत्य वचन। फिर तो मैं शीघ्र ही जाके उन्हें यहां ले आता ताकि शुभ कार्य में और अधिक विलंब ना हो। हमने इस पक्षी के अंदर अहंकार की भावना को जगा दिया है, अभी स्वयं अपना पतन कर लेगा। वैसे भी जब से शेषनाग भैया ने मुझे वासुकी भैया के बारे में बताया है, उनके दर्शन करने के लिए मैं उत्सुक भी हूँ। जब वो यहाँ आए तो दर्शन कर लेना, क्योंकि मैं उसे लेकर आऊंगा यहाँ। तुम क्यों जाओगे देवराज? वासुकी मेरी तरह शिव भक्त है, उससे मिलने मैं ही जाऊंगा। जब तक आप दोनों तर्क वितर्क करके किसी परिणाम तक पहुंचेंगे तब तक तो मैं उन्हें यहां लेकर भी आऊंगा। ये गरुड़ क्या कर रहा है? इसके स्वर में अब अपने बड़े भाइयों के लिए अपमान उभर कर आ रहा है। प्रभु, गरुड़ ने मद्रांचल पर्वत क्या उठा लिया? इसका तो स्वर हाव भंगिमा, हाव भाव सब कुछ ही बदल गया। किसी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए पहल करना अच्छी बात है, परंतु उसका प्रदर्शन करना अनुचित है। सत्य कह रहे हो शेष, पर गरुड़ को तो इस बात का आभास तक नहीं हो रहा कि अब उसके मुख से आत्मविश्वास नहीं अहंकार बोल रहा है। अब तो बस यही आशा है प्रभु कि कोई शीघ्र इसे इसकी भूल समझा दे।
ये कार्य इतना भी आसान नहीं है गरुड़। त्रिपुरा का पूरा पर्वत उठा सकता है, उसके लिए एक नाग को उठा कर लाना कौन सा कठिन कार्य है मुनिवर? नहीं राम, कहीं ये वासुकी को गिरा ना दे, जैसे इसने अन्य नागों को गिरा दिया था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा दीदी माँ। मुनिवर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, वो भी किसी और से कहीं अधिक शीघ्र। मंदराचल पर्वत को भले ही मैं यहाँ पर उठा कर लाया, परंतु इसे मथना तो देवता और दानवों को ही है। गरुड़ तो अहंकार में टूटता ही चला जा रहा है। इसीलिए जब तक मैं डोरी यहाँ पर लाता हूँ, तब तक आप सब मिलकर ये विचार कीजिए कि जिस पर्वत को आप सब मिलकर हिला तक नहीं पाए, उसे मथेंगे कैसे? प्रभु, ये गरुड़ अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? क्या ये अपने माँ के दिए हुए संस्कारों को भूल गया है? गरुड़ संस्कार भूल गया, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी शेष, पर हां, शिष्टाचार अवश्य भूल गया। ऐसा लग रहा कि अहंकार ने गरुड़ के मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लिया। वासुकी को आमंत्रित करने से पहले हमें कदरू की अनुमति लेनी होगी। विमाता कदरू की अनुमति? पर वो क्यों माँ? जहां तक मेरी जानकारी है, वासुकी बहुत पहले ही अपना घर छोड़कर जा चुका था, तो अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका है। पुत्र, यदि अपनी माँ से दूर जा चुका है या अपना घर छोड़ चुका है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो अब अपनी माँ का पुत्र रहा ही नहीं। समुद्र मंथन के इस महायज्ञ में देवता मेरे आशीर्वाद से और असुर दीति के आशीर्वाद से सम्मिलित हुए हैं, यहाँ तक कि गरुड़ भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ आया है, तो हम कदरू को इस सम्मान से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं देवी, माता पिता और गुरु की आज्ञा के बिना किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। क्या हुआ गरुड़, अब नहीं जाना तुम्हें अपनी कदरू माँ के पास? कहीं तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि वो अपने दास की बात ही नहीं मानेंगी? नहीं देवराज, मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ हाँ, अवश्य जाइए। सत्य तो यह है कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो अवतार पुरुष गरुड़ न कर पाए। राहु बार बार गरुड़ की प्रशंसा करके उसके अहंकार को बढ़ावा दे रहा है। मुनिवर, गुरुदेव, अदिति माँ, दीति माँ, आज्ञा दीजिए। प्रभु, राहु और दीति माँ ने गरुड़ के अहंकार को चुनौती देकर उसे मेरी माँ के पास तो भेज दिया है, और वो है तो उनका दास ही, इसलिए क्या ये संभव है कि वो वासुकी को आज्ञा देने से मना कर दे? संभव तो है शेष, पर ये देखना भी रोचक होगा कि गरुड़ उनकी ना को हाँ में कैसे बदलता है। सत्य कहूं शेष, मुझे नहीं लगता कि गरुड़ इस बार अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा। धूमल। हाँ तत्तु। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? हाँ तत्तु, जब से ये बाबा यहाँ आया तब से तो पूरे महल का वातावरण ही बदल गया।
हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से अपनी आंखों से मैंने चमत्कार देखा है ना, मेरे मन में तो बुरे विचार आने ही बंद हो गए। जब जब मैं माँ को कालिया भैया और तक्षक भैया को विंता माँ और गरुण के विरुद्ध कुछ भी कहते सुनता हूँ, मेरे कानों से तो धुआं ही निकल जाता है। अरे मायावी बाबा है कौन? दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान। प्रणाम बाबा। कल्याण। ये वास्तविकता है या कल्पना है? जो तुमने देखा वो तुम्हारी कल्पना हो सकती है, किंतु उससे वास्तविकता तो नहीं बदलती। पर बाबा, आपने हम पापियों को दर्शन। चलो, तुम दोनों ने स्वीकार तो किया कि तुम दोनों पापी हो। अपने कर्मों को स्वीकार करना ही प्रायश्चित की ओर पहला पग है। तुम दोनों केवल अपने इस जन्म के कर्म देख रहे हो, किंतु मैं तो तुम दोनों के बीते हुए जन्मों का और आने वाले जन्मों का लेखा जोखा देख कर ही दर्शन दे रहा हूं। पर बाबा, अब इस कुटिया में प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। तुम दोनों को मेरे सुख की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु एक बात का स्मरण रहे, मैं कौन हूं ये सत्य न तो तुम्हारी माता जी को और ना ही विंता को पता चलना चाहिए। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया हूं, जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक ये सत्य तुम दोनों को छुपा कर रखना होगा। जो आज्ञा बाबा। कल्याण। माँ, करुण, करुण, तो इतना बड़ा कब हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया? जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। मेरा नहीं, प्रभु विष्णु का आशीर्वाद क्या है। सही कहा माँ। अच्छा माँ, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। होगा, पर पेट पूजा भी तो आवश्यक है। देख तो सही कितना दुर्बल हो गया है तू। तू चल भोजन कर ले। हाँ, कुछ खा ले। माँ, भोजन करने का भी समय नहीं। भोजन करेगा तभी तो बुद्धि चलेगी ना। तू चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? करुण, तू जिस दिन गया था ना, उसी दिन वन में मुझे एक वृद्ध बाबा मिले थे। दयनीय स्थिति में थे, तन रोग से त्रस्त था, ना भोजन का आसरा था ना दो घूंट जल का, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई। फिर तो मुझे इन बाबा से अवश्य ही। दासी! मां रुकिए, मैं जाता हूँ। वैसे भी महारानी से मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है, बाबा से बाद में मिल लूंगा। तुझे कद्रु दीदी से क्या कार्य है? ये सब बताने का समय नहीं है माँ, और वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी, और ये कार्य करके मुझे उन सबको सिद्ध करना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलता हूँ। प्रभु
प्रभु के कार्य के लिए उत्सुक भी है और तत्पर भी, किंतु बाबा से एक बार मिल लेता तो उनका आशीर्वाद भी से मिल जाता। ये क्या प्रभु, गरुड़ ने गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद नहीं लिया? यदि ले लेता तो हो सकता है कि वो एक कठिन कार्य पूरा कर पाता। गुरु दत्तात्रेय के दर्शन मिलना इतना आसान नहीं है शेष। जिसके मन में अहंकार का बीज पनप रहा उसके पास तो उनकी छाया तक नहीं पहुंच सकती। अहंकार के बीज के कारण यदि वो इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह गया है प्रभु, तो न जाने अब आगे क्या क्या होगा। प्रभु कोई तो उपाय होगा जिससे ये अहंकार टूट पाए। अवश्य, पर उस उपाय तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। गरुड़ के साथ ये खेल नियति खेल रही है। केवल वही जानती कि गरुड़ इस कठिन मार्ग पर चल पाएगा या नहीं। महारानी, प्रभु के कुर्मावतार के कारण मथनी तो स्थिर हो गई, परंतु मथनी को घुमाने के लिए एक डोर की आवश्यकता है, और सभी को यही लगता है कि इस कार्य के लिए वासुकी भैया से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं है। वही क्यों, ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। और मैं भी। इन्हें कैसे बताऊं कि ये दोनों इतने शुभ कार्य के लिए योग्य नहीं है। क्षमा चाहता हूं, परंतु मथनी की डोर बनने के लिए जब तब व्रत से अर्जित की गई शक्तियां भी आवश्यक है और मन से शुद्ध होना भी अनिवार्य है। अनुशासन के बंधन के लिए मेरे पुत्री क्यों? ये सारे नियम उस समय का हाथ है जब स्वयं नारद मुनि ने तुम्हें मद्रांचल पर्वत उठाने की आज्ञा दे दी थी। वो सब तुम्हें नहीं जानता महारानी, परंतु इस समय केवल इतना ही जानता हूं कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन के लिए समुद्र मंथन बहुत ही आवश्यक है, और यह तभी आरंभ हो सकता है यदि आपने वासुकी भैया को मथनी की डोर बनने के लिए आज्ञा दे दी। तो यदि इस मंथन का फल केवल प्रभु और देवी लक्ष्मी का मिलन होता तो ये कार्य करने के लिए देवता उत्साहित रहते, किंतु असुर कभी नहीं। अवश्य ही किसी लाभ का लोभ उन्हें वहां खींच रहा है। क्या है वो? अब तो मां की तरह पुत्र भी सत्य छुपाने लग गया। मां ने कौन सा सत्य छुपाया महारानी? इतना अनभिज्ञ होने का स्वांग मत रच मेरे सामने। यहां आने से पहले तू अपनी मां से नहीं मिला? तूने स्वयं नहीं देखा कि वो किसी मार्ग के बूढ़े भिखारी को उठाकर मेरे महल में ले आई है? और आप अतिथि देवो भव बोलकर उसे कुटिया से निकालने को तैयार नहीं है? वो मार्ग का भिखारी, परंतु मां ने तो। बातों में मत भटका, या तो साफ साफ बता दे कि मंथन का सत्य क्या है, या फिर अमृत भी प्राप्त होगा इस मंथन से। समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। तो इसलिए देवता और असुर मिलकर मंथन करना चाहते हैं ताकि अमर हो सके। पर मेरे पुत्र इस अवसर से क्यों वंचित रह जाए? इस अमृत पर केवल मेरे पुत्रों का अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगी।